YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। धनतेरस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये एक रेसिपी ताहिरी की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये धनतेरस से एक रात पहले मैंने बनाई थी बहुत टेस्टी सी ताहिरी, जो आई थिंक मुझे बहुत पसंद है और ठंडियों के समय में तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले मैंने जो जैसे डेली यूज़ के लिए तो मैं दूसरे चावल यूज़ करती हूँ, पर जैसे पुलाव या फिर ताहिरी बनाने के लिए मैं डिफरेंट अलग अलग तरीके के चावल ट्राई करती हूँ, जो थोड़े से लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं, जो थोड़े से खिले खिले और बड़े बड़े बनते हैं, उन राइस की जो है मैं ताहिरी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइस जो मैं न्यू लेकर आई थी वो उसको डब्बे में ट्रांसफ़र करके भिगो दिया था, सोयाबीन की बड़ी को भी भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर, चॉपिंग कर ली है ढेर सारी। और आप इसमें देखिए, मैंने आलू कट किया है, ये है अनियन, टोमेटो और ग्रीन चिली एंड अदरक, जो आई थिंक इसमें विजिबल नहीं हो रही है क्योंकि मेरा चॉपिंग बोर्ड थोड़ा सा अजीब है, और धनिया ढेर सारा। तो यहाँ मैंने कुकर गरम होने चढ़ा दिया है। कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, ये मैंने सोयाबीन की बरी मैंने सोक कर दी थी और उनको भी मैंने कट करके बीच में से रख लिया है। अब ऑयल गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी एक तेज़पत्ता, जीरा एंड दालचीनी, और दो तीन लौंग, काली मिर्च और एक साबुत काली इलायची जो होती है उसको मैंने अच्छे से, जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है। और यहाँ देखिए मैंने ऑयल गरम हो गया तो उसमें डाल दिया है तेज़पत्ता और दालचीनी एंड उसमें मैंने जीरा भी ऐड किया है। अब जो खड़े मसाले मुझे डालने हैं, जैसे कि काली मिर्च, खड़ी इलायची एंड और लौंग, मैंने उसको कूट लिया। कूट लेने के लिए मैंने जिसमें अदरक कूटते हैं उसको लिया है, अभी कूटूंगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज एंड जिंजर। अब इसके जैसे कि ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा ना जब अनियन, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैं सोयाबीन की बरी फ्राई होने के लिए, क्योंकि जो अगर हम सोयाबीन की बरी तेल में ऐड करते हैं तो हमारा जो प्याज के कुकिंग का प्रोसेस होता है वो रुकता नहीं है। जनरली क्या होता है कि पहले हम प्याज भूनते हैं, उसके बाद हम कुछ और ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो चीज़ हमने पहले डाली है फिर नेक्स्ट चीज़ जो हम डालेंगे तो पहले वाली का कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। बट सोयाबीन की बरी के साथ ऐसा नहीं है, आप सोयाबीन की बरी ऐड करिए तभी भी प्याज के भुनने का जो प्रोसीजर है वो मतलब चलता रहता है। तो फिर मैंने इसमें साथ साथ में बड़ी भी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, तो मैं ऐड कर दे रही हूँ चॉप करी हुई बरी। पहले मैंने गर्म पानी में सोख किया, निचोड़ करके इन्हें बीच में से चॉप कर दिया ताकि ये बहुत बड़े बड़े पीसेस में ना रहे। यहाँ साथ के साथ मसाला भी मैंने क्रश करके रख दिया है। और अब जब ये बरी फ्राई हो जाएंगी तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने सोक किए हुए राइस। ये वाले जो राइस मैं लेकर आई थी ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इतना अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। ये डेढ़ गिलास के करीब राइस थे तो मैंने डेढ़ गिलास ही पानी लगा दिया था, तो इनफ हो गया था। क्योंकि ये वाली जो ताहिरी है वो थोड़ी सी खड़े खड़े चावल रहते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, वही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनको आप पानी लगा दीजिए तो एकदम खिचड़ी टाइप ये बन जाएगी, वो इस ये नहीं अच्छी लगती है इस तरह से। यहाँ मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें हल्दी, नमक और हरी मिर्च, टमाटर, आलू, जो भी मैंने फाइनली चॉप करके चीज़ें रखी हैं वो सारी ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड उठा लिया है। ग्रीन चिली मैंने तीन चार डाल दी थी क्योंकि ये जो है ग्रीन चिली मतलब थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर, ग्रीन चिली मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया भी ऐड किया था इस टाइम पे, थोड़ा धनिया बनाने के बाद ऐड किया था। यहाँ जो मसाला मैंने क्रश करके रखा था वो मैंने इसमें इस टाइम पे डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अभी देखिए मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। अब 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आप चावलों को ऐसे ही कुकर में पड़े रहने दीजिए और बीच बीच में चलाइए, और आपको जब फील हो ना कि ये चावल कुकर की तली पर लगने लगे हैं उस स्टेज पे आप इसमें पानी डालना, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि अच्छे से फ्राई हो जाए राइस। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना सुंदर कलर निकल के आया है, मतलब ये बनाते बनाते मेरे मन में ना ईगरनेस होने लगती कि हाँ भाई खा लो इसको।
बट अभी टाइम था। अब यहाँ पे मैंने जो है वो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ना फ्राई करने वाला, वही कर रही हूँ। यहाँ पे जो गरम मसाला मेरे पास घर का बना हुआ है, पिसा हुआ रखा था, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। अगर चम्मच की बात करें तो आधा चम्मच करीब मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इस समय पे जो इसमें खुशबू होती है ना फ्राई होने के बाद चावलों में, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जितना धनिया मैंने कट करके रखा था उसमें से आधा मैंने अभी इसमें मिक्स कर दिया है। आधा जब मैं कुकर को खोलूँगी सीटी लग जाने के बाद, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी ताकि उसकी जो ग्रीननेस है वो बनी रहे धनिए की। यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया था वाटर 1.5 गिलास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर दिया। हाँ, नमक भी मैं पानी लगाने के बाद या पहले आप कभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा उसका कुछ बाउंडेशन है नहीं। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए हर चीज़ को। यहाँ देखिए, हस्बैंड को भी चैन नहीं पड़ रहा था कि फटाफट बना लो और फिर मुझे दो। बेटा भी खेलने गया था, जब इसमें विसल्स आ रही थी तब बेटा आया था नीचे से खेल के। बस यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस नमक डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। बहुत प्यारा कलर निकल के आया है तहरी का। किसी दिन मैं डे के टाइम में इस तहरी को बनाऊँगी, उस टाइम आपसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि किचन में लाइट इतनी इनफ नहीं थी और रिंग लाइट मेरे पास है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू हुआ इसमें। बाकी कोई नहीं, फिर कभी मैं फिर से रेसिपी को जो है शेयर करूँगी। 2 विसल्स आने तक हम इसमें वेट करेंगे, प्रेशर खुद से रिलीज़ ना होने दें, क्योंकि अगर खुद से रिलीज़ होगा तो उसमें कुकिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इससे क्या होगा, चावल आपके ज़्यादा ओवर कुक्ड भी हो सकते हैं। तो प्रेशर मैं यहाँ पे इसका रिलीज़ कर दे रही हूँ खुद से। और देखिए, बहुत अच्छी अरोमा जो है इससे निकल के आ रही थी। यहाँ देखिए, एकदम बिखरे खड़े खड़े चावल बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी धनिया और फिर मैं इंजॉय करूँगी अपनी तहरी। बस ये इस छोटी सी रेसिपी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। बाकी अब जब ठंडियाँ आ जाएंगी ना, तो इसमें ढेर सारी वेजीज डाल के आप बनाइए, जैसे कि मटर, बीन्स हो गई, गोभी हो गई, गाजर हो गई, इन सब चीज़ों को डाल करके आप बनाइए, बहुत टेस्टी ये बनती है। बस ये छोटी सी रेसिपी थी, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी तहरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, टेस्टी सी तहरी मेरी बन करके रेडी हो गई है। आप वीडियो एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बाकी धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। टाटा बाय बाय दोस्तों।